हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स। मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं आरएस एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की दो वीडियो कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आपने यदि उन्हें नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। वीडियो हमने पार्ट बाई पार्ट बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आधा आधा छोड़ के बनाएंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हमने वीडियो की सीरीज बनाई है, तो आप वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आज के हम इस वीडियो पर पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इन ग्रुप पर क्या क्या टूल्स होते हैं और इनका डॉक्यूमेंट पर क्या यूज़ होता है, इनसे डॉक्यूमेंट कैसे सेटअप किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच करिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने फोन ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप को कवर कर लिया है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो पर हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पैराग्राफ ग्रुप के टूल्स देख लेते हैं और उन्हें अप्लाई भी करते हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टूल दिख रहा है बुलेट का। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, गर्ल्स के नेम है ये, उनकी लिस्ट बनाई है। तो अब इस टूल को हम इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पर बुलेट लग जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको बुलेट की बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी, तो आप किसी भी बुलेट को चूज करके क्लिक कर दें तो आपकी वो बुलेट लग जाएगी। उसके नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर बुलेट का। तो फ्रेंड्स, आप ये भी इसी में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको नंबर वाले नंबर लिस्ट आ जाएंगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ लास्ट पर जैसे ही इंटर करेंगे तो वो अगला नंबर भी आते जाएगा। जैसे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ऐसे इंटर करते जाएंगे तो आप सारे नंबर आते जाएंगे। और आपको नंबर बुलेट में भी बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं, तो आप किसी भी टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मल्टीपल लेवल लिस्ट का। मल्टीपल लेवल लिस्ट पर आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं, इसकी भी एक लाइब्रेरी होती है, तो आप किसी भी लाइब्रेरी को चूज कर सकते हैं। जैसे हम ये वाली लाइब्रेरी को अभी चूज कर लेते हैं, तो ये फलों के नाम हमारा सेकंड टाइटल हो गया। अब हम इन पर फलों के नाम लिखेंगे, जैसे केला, आम, सेब, ये सभी, तो वो सारे सब टाइटल होंगे। जैसे हम यहाँ पर आम लिख देते हैं अभी, फिर आप इंटर प्रेस करें और देन टैप प्रेस कर दें, तो आप फिर से कि यहाँ पर आम के अंदर भी आप एक सब टाइटल बना सकते हैं। हम यहाँ केला लिख देते हैं, फिर आप इंटर करेंगे, देन टैप पर प्रेस करेंगे तो आप इसका भी एक सब टाइटल बना सकते हैं। तो मैन इसका यूज टाइटल और सब टाइटल बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट के बारे में। तो पहले हम इंक्रीज इंडेंट को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है और देन आप यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन राइट साइड पर चली जाएगी, और आप यदि डिक्रीज इंडेंट पर करेंगे तो वो लाइन लेफ्ट साइड पर आती जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन मिलता है शॉर्ट का। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस पर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले ये सिलेक्ट कर लेना है, आपकी लिस्ट, नंबर लिस्ट जो भी होंगी आप उसे पहले सिलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाई देंगे। ये आपको बता देता कि आपके नंबर पर है या डेटा है या टेक्स्ट है। तो अभी हमने नंबर चूज करे हैं, तो अभी हम पहले डिसेंडिंग करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाती है और जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे नीचे आ जाती है। अब हम इसी तरह असेंडिंग डिसऑर्डर को भी देख लेते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे तो उसका उल्टा होगा कि सबसे पहले छोटी वाली संख्या जाएंगी, फिर बड़ी वाली संख्या आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम उसके नीचे वाले ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट एलिमेंट का। तो आप पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट साइड चल जाएगा, मतलब कि जो लेफ्ट साइड की लाइन है वो एक सी रहेंगी और राइट साइड से आगे पीछे हो जाएंगी। और वैसे ही आप सेंटर पर करेंगे तो मैटर सेंटर पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप राइट पर करेंगे तो राइट की एक सी लाइन रहेंगी और लेफ्ट पर आगे पीछे हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपने जो बड़े बड़े टाइपिस्ट होते हैं या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो दोनों साइड वो
बराबर होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की जो स्पेस रहता है वो एकदम बराबर रहता है, तो वो जस्टिफाई करते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस जी से भी जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ की लाइन भी सेम है और यहाँ की भी सेम है, कोई भी अक्षर आगे पीछे नहीं जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है लाइन स्पेसिंग का, तो आपको लाइन स्पेसिंग में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 3.0, 2.5। तो पहले हम 2.5 को अप्लाई करके देख लेते हैं। 2.5 हमने अप्लाई कर दी, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि यहाँ पर जो लाइन के बीच में है वो दूरी आ गई है। ऐसे ही आप यदि 3.0 पर अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा दूरी आ जाएगी लाइन के बीच में, तो मतलब ये लाइन के बीच में स्पेस आ जाती है इससे। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो हम इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं इस पर क्या होता है। तो आपको पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, देन आप इसे ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो ऊपर है वो वहाँ पर थोड़ा स्पेस छूटा है, उसके बाद से लाइन स्टार्ट हुई है। वैसे ही आप दूसरे पैराग्राफ पर भी देखेंगे तो वहाँ भी है। तो बिफोर का मतलब होता है कि पैराग्राफ के जो फर्स्ट फर्स्ट पर स्पेस छूटेगा, और जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे तो वो स्पेस हट जाएगा। अब हम आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन का यूज़ करके देख लेते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन रहेगी उसके बाद पर स्पेस छूट जाएगा, और जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे तो वो पैराग्राफ चिपक जाएंगे। ये आपस में चिपक गए, अभी हमें थोड़ा स्पेस दिख रहा था, अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके अपने अपने डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाएंगे बैकग्राउंड के, तो आप किसी भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का, तो फ्रेंड्स आप यहां से अपने पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं, या जब आप टेबल वगैरह बनाते हैं तब भी इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, देन आप यहां देखेंगे कि आपको बहुत सारी बॉर्डर मिल जाएंगी, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट। बॉटम बॉर्डर का यूज़ करेंगे तो बॉर्डर नीचे की साइड लगेगी। चलिए हम यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे बस बॉर्डर लगी है, पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वहाँ पर बॉर्डर लग गई है। अब हम सेलेक्ट ऑल बॉर्डर को करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये जो मैटर है उसके चारों तरफ ही बॉर्डर लग गई हैं। ऐसे ही आप यदि राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर बॉर्डर लगेगी, और लेफ्ट साइड पर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर बॉर्डर लगेगी। सो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है सो हाइट, ये इसका यूज तब किया जाता है जब आपको पता करना हो कि किसी ने इसमें टाइपिंग करी है तो कितने स्पेस यूज कर रहा है, और कितना इंटर यूज कर रहा है, या कितने टैप यूज कर रहा है। ये सब हमें यूज में आता ही नहीं है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स आने वाले टॉपिक पर हम एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, उस पर हम फाइंड रिप्लेस और गो टू का कैसे यूज करते हैं ये इसके बारे में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।